what is that one big mistake that everyone makes while making their vision board and jiske karan ve apna dreams achieve nahi kar paate hain? They feel that the vision board is not working for them. If you want to know this, then watch this video till the end. मैं हूँ श्वेता सरेका और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। विजन बोर्ड, यू नो, उसके बारे में आजकल काफी सारी बातें होती हैं एंड आई एम श्योर आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने साल की शुरुआत में अपना विजन बोर्ड बनाया होगा, यू नो, अपने ड्रीम्स, गोल्स, जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं आपने उन्हें लिखा होगा, पिक्चर्स चिपकाए होंगे, एफर्मेशंस लिखे होंगे एंड नाउ वी आर लाइक इन द 9th मंथ ऑफ द ईयर, वी विल सून एंटर द लास्ट क्वार्टर। डू यू फील कि यू नो थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, आप नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो देर इज वन बिग मिस्टेक विच यू आर मेकिंग वाइल डूइंग द विजन बोर्ड, वो क्या है? सो यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट इज फोकस ऑन वन आइडिया, ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल। यू नो यू शुड नो कि वॉट इज इट दैट यू नीड टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सो दैट यू कैन अचीव योर बिगर गोल्स। सो द मिस्टेक यू नो विच पीपल मेक जब हम विजन बोर्ड बनाते हैं, सी हम सबके जीवन में यू नो देर आर सर्टन लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म थिंग्स विच वी वॉन्ट टू अचीव एंड देन देर आर सर्टन स्मॉल थिंग्स विच वी वॉन्ट टू अचीव। जो आप गलती कर रहे हो, आप अपने लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स दोनों को एक ही साथ एक ही बोर्ड पे रख दे रहे हो। ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, सपोजिंग टुडे यू आर लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, ओके, आपका लॉन्ग टर्म गोल है दैट अल्टीमेटली यू वॉन्ट टू हैव अ बीच हाउस और यू वॉन्ट टू ओन अ हाउस इन द मोस्ट लग्जूरियस लोकेशन विथ यू नो अ स्विमिंग पूल एंड अ ब्यूटिफुल विला एंड मे बी 6-bedroom हाउस, वट एवर, बट दैट इज योर लॉन्ग टर्म प्लान। वहां तक पहुंचने के लिए वॉट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू मैनिफेस्ट? स्मॉल थिंग्स, यू नो, मे बी अ 3BHK हाउस एट द मोमेंट और अ 2BHK हाउस। सो आप जब इन दोनों को एक साथ रख देते हो, यू नो यू स्टार्ट जस्ट फोकसिंग ऑन योर लॉन्ग टर्म, बट आपको तो पता ही नहीं है वॉट आर दोज लिटिल टाइनी टाइनी स्टेप्स विच यू नीड टू टेक टू अचीव देयर, टू बी देयर। सो ऑलवेज हैव योर लॉन्ग टर्म गोल्स इन अ सेपरेट बोर्ड इफ यू वॉन्ट टू, और एल्स यू नो आप जब विजन बोर्ड बनाते हो उसे एक्शन ओरिएंटेड बनाओ कि वो छोटी चीजें जो आपको अचीव करनी है, यू नो, इन वन ईयर टाइम फ्रेम, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? दैट इज हाउ इट शुड बी। नाउ सपोजिंग यू नो टू अंडरस्टैंड इट इवन बेटर, आपका मे बी हेल्थ गोल हो, यू वॉन्ट टू अचीव यू नो 6-pack abs, बट यू डोंट एक्सरसाइज एट ऑल, आप फिटनेस में हो ही नहीं, तो आपको अभी छोटे चीजों से शुरू करना है। मे बी यू पुट ऑन अ विजन बोर्ड समथिंग लाइक यू नो यू सी योर सेल्फ जॉगिंग एवरी डे इन द मॉर्निंग, यू नीड टू गेट इन टू द ग्रूव, देन यू नो मे बी रनिंग अ 5-kilometer marathon, एंड दैट्स हाउ यू विल अचीव द बिगर गोल्स। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक कि आप सब कुछ एक साथ रख दो। यू नो इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दी स्मॉल गोल्स, आप जब उन्हें अचीव करते हो ना, इट गिव्स यू एन इमेंस सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड गिव्स यू इमेंस स्ट्रेंथ टू अचीव योर बिगर गोल्स। यू स्टिल हैव 3 more months, यू नो द लास्ट क्वार्टर यू आर येट टू एंटर। Try and make a vision board for the next 3 months which you want to achieve. The small little goals, you know, it might be small and little but very, very meaningful for you. Make the board and then see, write affirmations related to it. Affirm it every day, see it every day and obviously take actions and see how you achieve the things which you desire. It's going to be magical. So let me know in the comments if you are also making this mistake. आप भी ये गलती कर रहे थे विजन बोर्ड में बनाने में या नहीं? And are you going to make the vision board for your last quarter of this year before you enter the new year? And let me know in the comments how do you like the video. Thank you for watching us. Thank you for sharing us with so much of love and abundance. It means a lot to us.